नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएन भारत और मैं हूं राशिका बजाज। लोहरदगा में भाकपा माओवादी के हार्डकोर नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है। इस नक्सली पर 1,00,000 रुपए का इनाम घोषित था। लोहरदगा जिला के पेशरार थाना क्षेत्र के पुत्रार गांव निवासी जत्रु खेरवार ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। जत्रु भाकपा माओवादी के रीजनल कमांडर रविंद्र गंजू के दस्ता में शामिल था। पुलिस को लंबे समय से उसकी तलाश थी। जत्रु खेरवार के खिलाफ लोहरदगा जिला के अलग अलग थानों में 1.5 दर्जन मामले दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि जत्रु ने फिलहाल किसी भी हथियार के साथ आत्मसमर्पण नहीं किया है। उसने पुलिस को कई अहम जानकारियां भी दी है। जत्रु खेरवार ने पुलिस के समक्ष स्पष्ट किया है कि माओवादी संगठन से उसका मन भर गया था। उसने सरकार के आत्मसमर्पण नीति नई दिशा से प्रभावित होकर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। मौके पर उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण, एसपी आर रामकुमार मौजूद थे। इसलिए कि हमको 2013 में नकुल जादू जबरदस्ती घर से उठा के और पूरा घर में दबा, पूरा घर में धर धमका के पार्टी में ले गया था और हमको उससे फायदा नहीं मिला। और जो मेरा पिताजी जो पिछले साल जो एक्सपायर किए हैं उसे भी मदद नहीं किया। हमको महसूस हुआ कि मतलब इस संगठन में कोई फायदा नहीं है बल्कि घाटा है। इसलिए हम इस जो सिलेंडर पॉलिसी के तहत जो पुरनवास नीति के तहत हम सिलेंडर करना चाहते हैं और कहिए और उसे हमको लाभ मिले और मिलना चाहिए, यही हम सोचकर सिलेंडर। बाकी नक्सलियों क्या कहना चाहेंगे? बाकी नक्सलियों कहना चाहते हैं कि जो भटक रहे हैं, जो जहाँ तहाँ जो जिंदगी जी रही है, आके यहाँ पर आराम से सिलेंडर करके सभी फैमिली सभी परिवार से अपना जिंदगी बसर करने का सोचें, ये हमारा काम है। कितना साल सक्रिय रहे नक्सली संगठन में और किस तरह के लोग उसमें शामिल हैं? हम 8 साल तक रहे उसमें और वहाँ तो देखेंगे तो हर तरह का लोग शामिल रहता है। क्या छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे? जी, छोटा छोटा बच्चा भी मतलब 12-13 साल से लेकर 15 साल तक भी उसमें शामिल होता है। आप कितना पढ़े हुए? हम गांव के स्कूल में 5वीं क्लास तक पढ़े। इस उपलब्धि के लिए जिला पुलिस और CRPF दोनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और साथ ही में जो आज यहाँ पे सरेंडर करके जो जत्रु खैरवार जी हैं वो मेन स्ट्रीम में आज शामिल हुए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं और उनको उनके आगे की जो आगे का जो जीवन है उसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मैं सबको बताना चाहता हूं कि जो सरकार की तरफ से जो आत्मसमर्पण करने के पश्चात जो एक पैकेज बनाया जाता है वो उसका फ़ायदा भी इनको दिया जाएगा और जल्द ही इसकी एक मीटिंग करके ये पैकेज सरकार को भेजा जाएगा सैंक्शन होने के लिए और तत्काल इनको जो है कैश रिवॉर्ड जो है पुलिस की तरफ से दिया गया है। और इस अभी जो इन्होंने आत्मसमर्पण किया है इसका उदाहरण देखते हुए मैं ये आह्वान करना चाहता हूँ कि जिले के जो भी युवा इस तरह से भटक करके गलत राहों पे चले गए हैं वो भी इस तरह से जो है वो आत्मसमर्पण करके जो है वो मुख्य धारा में शामिल हों। आज इस सरेंडर प्रोग्राम में नक्सल सरेंडर पर पार्टिसिपेट किया हमारे DC सर के लिए धन्यवाद है। और ये आज जत्रु खेरवार का सरेंडर है, उन्होंने श्री जत्रु खेरवार लाइक 1,00,000 का इनामी है और उन्होंने मतलब उनके आत्मसमर्पण किया है और इसमें मतलब ये पूरा हमारा टीम वर्क है, लाइक वेरियस सोर्सेस इन्वॉल्व है इसमें, हमारा DSP अभियान और SDPO साहब और CRPF का CO साहब और उनका पूरा टीम इसमें अच्छा काम किया है और भी मतलब और सारा सोर्सेस भी इसमें अच्छा काम किया है। इनका एक अच्छा उदाहरण है, लाइक ये मतलब ऑपरेशन डबल बुल के वजह से ये सब अचीवमेंट्स लगातार हो रहा है और अब यही इनका द्वारा क्या क्या हम लोग पूरा फैसिलिटेट करेंगे इनका लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए वो सारा चीज़ हम लोग पूरा कोशिश करके उसको करेंगे। और आने वाला दिन में ये भी हम लोग का आग्रह है
कितने भी बाकी नक्सल्स है मतलब एक्टिव है अभी भी, ये एक अच्छा आप लोग का एज द प्रोग्राम का नाम है नया दिशा, एक नया दिशा है, इसमें आप आ जाइए आप लोग सब और इसको प्रॉपरली यूज़ करने पे आप लोग का लाइफ और आपका फैमिली और इसके लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।